गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सब्जेक्ट. वेरी फ्रीक्वेंटली यू वुड हैव हर्ड मी टेलिंग टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. सो बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सब्जेक्ट. एंड विच सब्जेक्ट इज दैट? इट्स इकोनॉमिक्स. नाउ विच वॉट इज इकोनॉमिक्स? सो योर इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ योर SST. अप टिल क्लास 8 यू हैव स्टडीड SST. And SST included how many subjects? 3 subjects. So that was your history, civics and geography. Now this is an additional subject now. Now your SST will have how many subjects? 4 subjects. So that will be history, civics, geography and economics. So when I say history, you know what you have studied in history. Or history is a subject that deals with what? So it's it basically gives information regarding your past events. When I talk about civics, again, you know, it tells you about the political situation. Your geography deals with the resources, various landforms. And now, coming to economics, what is economics? So, economics will deal with all the financial matters. Okay, jahan bhi money involved hogi, jahan bhi paise involved hoge, that will be a part of your economics. Very frequently you would be hearing in news these days, GDP, economic condition is going down, uski economic condition achhi nahi hai, wo economically poor hai. So what does economy means? Economy means related to finance. Money se related jitne bhi affairs hote hain, wo kis mein aate hain? Economics mein aate hain. Now don't worry, I'm not going to teach you in the first class to calculate GDP. Take easy, I'm just introducing you the subject. इस सब्जेक्ट में आप इस क्लास में आप बेसिकली क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, किन वर्क को या किन ऑक्यूपेशंस को इकोनॉमिक एक्टिविटी में कैटेगराइज करना और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कैटेगराइज करना आप पढ़ेंगे. लाइक सेम वर्क जो होती है वो एक सिचुएशन पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और दूसरे सिचुएशन पे वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग दैट एक ही सब वर्क इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक कैसे हो सकती है. लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. इफ योर मदर इज टीचिंग यू एट होम, दैट्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. व्हाई? बिकॉज शी इज नॉट बीइंग पेड फॉर इट. बट योर मदर इफ शी इज टीचिंग इन स्कूल और इन अ कॉलेज एंड शी इज बीइंग पेड फॉर इट, दैट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. समझ में आ गई? एक ही जो काम है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है. जहां भी फाइनेंस मनी इन्वॉल्व हो जाती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है. ओके, सो योर फर्स्ट चैप्टर इज स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. क्या आपकी फर्स्ट चैप्टर स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर? नाउ डोंट गेट कन्फ्यूज विद स्टोरी, आई एम नॉट गोइंग टू नरेट यू एनी स्टोरी. ओके, रादर इन दिस चैप्टर यू विल बी रीडिंग अबाउट एन हाइपोथेटिकल विलेज. एक हाइपोथेटिकल विलेज है, एक इमेजिनरी विलेज है. सो इट्स अ हाइपोथेटिकल विलेज, ये इमेजिनरी विलेज है और इसकी जो कंडीशंस हैं वो किसी एक नॉर्मल विलेज से मिलती जुलती हैं. ओके, इट्स वेरी सिमिलर टू एनी नॉर्मल विलेज बट इट्स नेम इज हाइपोथेटिकल. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. सो सी हियर, आई हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड यू इकोनॉमिक्स. What is it about? What does economics deals with? You have come to know. Now, where is Palampur? So, Palampur is a hypothetical village. एक hypothetical village है, एक imaginary village है, जिसका reality में कोई existence नहीं है. It's only imaginary. Now, what will you learn? To learn the basic concept of production. आप इसमें क्या पढ़ेंगे? Basic concept of production. I know this word basic concept of production must be sounding very heavy to you, but gradually when we move with the chapter, you'll understand it in a better way. So, let us see how various resources are combined to produce the desired goods and services in the village Palampur. Village Palampur में जो भी resources हैं, उनसे क्या उन सारे रिसोर्सेस को कंबाइन करके कैसे एक डिजायर्ड गुड्स और सर्विसेज बनाए जाते हैं, आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. यू विल रीड विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्शन. आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या जरूरत होती है, क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन में, ऑल दिस विल बी रीडिंग इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद योर चैप्टर. नाउ पालमपुर अ वेल कनेक्टेड विलेज विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स रायगंज एंड शाहपुर. सो पालमपुर जो है वो किसी भी नॉर्मल विलेज की तरह है जिसकी कनेक्टिविटी अपने नियर बाय टाउन से है. सो कौन से उसके नियर बाय टाउन्स है? रायगंज है एंड शाहपुर है. ओके, नाउ यू ऑल
आई थिंक यू ऑल मस्ट बी गोइंग टू योर विलेज. आपने बहुत वेरी फ्रीक्वेंटली वेरी ऑफन यू वुड हैव हर्ड योर पेरेंट्स टेलिंग दैट बगल के गांव में बाजार है, बगल के शहर से ले आओ. लाइक इफ यू आर फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू अ वेरी लोकल एग्जाम्पल. इफ यू आर लिविंग इन लेस्लीगंज, योर डाल्टनगंज इज टाउन नियर बाय. ओके, सो सिमिलरली पालमपुर के लिए कौन सी टाउन्स नियर बाय थे, नेबरिंग टाउन्स कौन से थे? रायगंज और शाहपुर, ये दो उसके नेबरिंग टाउन्स थे. नाउ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट. ना अब ये जो रायगंज और शाहपुर थे वो पालमपुर से वेल कनेक्टेड थे. कैसे? रोड्स और ट्रांसपोर्ट से, ट्रांसपोर्टेशन और परमानेंट ऑल वेदर रोड्स थे. नाउ व्हाट इज ऑल वेदर रोड? जनरली विलेजेस में कच्चे रोड्स होते हैं, अब तो बहुत कम होते हैं, बट इन दोज डेज कच्चे रोड्स होते थे. दे वर यूज्ड ओनली ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स. जब बारिश नहीं होती थी वो रोड्स यूज में आते थे, और जब बारिश हो जाती थी देन दे बिकेम आउट ऑफ सर्विस. वो उतना अच्छे से लोगों को ट्रांसपोर्ट में या मूवमेंट में फैसिलिटेट नहीं कर पाते थे बिकॉज दे वर नॉट परमानेंट रोड्स, वो कच्चे रोड्स होते थे. सो योर पालमपुर इज कनेक्टेड टू इट्स नेबरिंग villages and towns. रायगंज एंड शाहपुर कैसे कनेक्टेड है? ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड है. दैट मीन्स किसी भी मौसम में पीपल कैन ईजिली गो टू रायगंज एंड शाहपुर. कौन से लोग? पालमपुर के लोग आसानी से कुछ सामान लेने या अपने सामान को बेचने आराम से रायगंज और शाहपुर जा सकते थे. सो दे हैड कनेक्टिविटी विद द ऑल वेदर रोड्स. सो ये तो थी हमारी कनेक्टिविटी की बात. अब आते हैं विलेज पे. विलेज में ऑब्वियसली विलेज में कौन होंगे? लोग होंगे. बट बिफोर दैट वन मोर थिंग, किसी भी गांव का मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? फार्मिंग होता है. लोग मैक्सिमम लोग क्या में इन्वॉल्व रहते हैं? फार्मिंग में. ओके, सो सी हियर, द विलेज हैड 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट. ऑब्वियसली एक ऐसा तो नहीं होगा कि एक विलेज में केवल एक सर्टन कास्ट के लोग रहते हों, वेराइटी रहती है. सो दे आर 450 फैमिलीज. कितने फैमिलीज हैं? 450 फैमिलीज. दैट मीन्स इट्स नीदर अ वेरी स्मॉल विलेज नॉर अ वेरी बिग विलेज. ये एक एवरेज विलेज का पॉपुलेशन है. सो 450 फैमिलीज हैं, जिनमें से 80 सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं. ओके, 80 फैमिलीज आर अपर कास्ट एंड 370 बिलोंग टू अदर कास्ट. ओके, सो यू मस्ट हैव सीन, इफ यू सी दिस डिविजन, इट्स नॉट यूनिफॉर्मली डिवाइडेड. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम डिविजन है. 450 में से आधे लोग अपर कास्ट के हैं और बाकी लोग अदर कास्ट में. ऐसा नहीं है, रादर अपर कास्ट के जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन कम है और अदर कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो अपर कास्ट के कंपेरिजन में ज्यादा है. नाउ The SCs or Dalits comprise one third of the population and live in one corner of the village. अब SCs जो हैं, शेड्यूल कास्ट जो हैं, वो कितने हैं पॉपुलेशन में? अप्रोक्सीमेटली वन थर्ड है पॉपुलेशन में. ओके, सो ये वन थर्ड है पॉपुलेशन में और कहाँ रहते हैं? दे लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज. मतलब ये सारे जो SCs हैं, वन थर्ड जो पॉपुलेशन है वो विलेज के एक कॉर्नर में रहती है. यू मस्ट हैव दिस, आई डोंट थिंक यू आई नीड टू एक्सप्लेन. आपने अपने विलेजेस में ये सिचुएशन देखे होंगे कि एक सर्टन कास्ट जो है वो सारे एक अलग और अलग नहीं यू कैन से बट एक साथ रहते हैं. एक पर्टिकुलर प्लेस होती है विलेज में जहां पे वो एक साथ रहते हैं. सो ऐसे ही एससीज जो दलित्स हैं वो भी वन थर्ड पॉपुलेशन में है एंड दे लिव वेयर इन वन कॉर्नर ऑफ विलेज. एक विलेज के एक कॉर्नर पे ये सारे दलित्स, वन थर्ड पॉपुलेशन जो है वो सारे फैमिलीज एक साथ रहते हैं. एससीज लिव इन मच स्मॉलर हाउसेज इन कंपेरिजन टू द अपर कास्ट. अब ये जो एससीज हैं, दैट मीन्स जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनके हाउसेस क्या से बने हुए हैं? उनके हाउसेस मड से बने हुए हैं. दैट मीन्स दे हैव कच्चा हाउसेस. ये इनकी हाउसेस जो हैं वो कच्चा हाउसेस हैं और बहुत साइज में बहुत छोटे हैं. किसके कंपैरिजन में? अपर कास्ट के कंपैरिजन में इनकी हाउस की जो साइज है वो बहुत छोटी है. नाउ सी योर बेसिक फैसिलिटीज. अब इस ये जो विलेज है आपका पालमपुर, उसमें क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज हैं? आई मीन लोगों के लिए जो 450 फैमिलीज हैं उनके लिए क्या बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई हैं? दैट विल बी सेम. फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये जो विलेज है, जनरली विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी पहले, बट ये जो विलेज है योर पालमपुर, इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है.
इलेक्ट्रिसिटी कितना इम्पॉर्टेंट है, ना ही हाउस होल्ड फंक्शंस में बट अपार्ट फ्रॉम हाउस होल्ड फंक्शंस इरिगेशन में भी, फार्मिंग में, ये सारा यू विल बी रीडिंग इन फर्दर वीडियोस। बट अभी अभी के लिए बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो विलेज है पालमपुर, इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ओके, दैट मीन्स दे हैव इलेक्ट्रिसिटी। और क्या है यहाँ, यहाँ पे टू प्राइमरी स्कूल्स है और एक हाई स्कूल है, दो प्राइमरी स्कूल है, छोटे क्लासेस के लिए दो स्कूल है और हायर क्लासेस के लिए भी एक स्कूल है, दैट मीन्स दे हैव गॉट बेसिक एजुकेशन फैसिलिटी। बेसिक एजुकेशन फैसिलिटी दैट मीन्स एक बच्चा अपने बेसिक एजुकेशन पालमपुर में अपने गांव में आराम से अवेल कर सकता है, ओके। अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड अ प्राइवेट डिस्पेंसरी, यहाँ पे और क्या है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर कौन रन करता है, गवर्नमेंट रन करती है, दैट मीन्स दिस इज अ पब्लिक हेल्थ सेंटर। अब पब्लिक एंड प्राइवेट, यू नो पब्लिक, ऑल द गवर्नमेंट ओन थिंग्स आर योर पब्लिक एंड ओन बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज योर प्राइवेट। सो एक हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट ओन करती है, दैट मीन्स एक गवर्नमेंट ओन्ड हेल्थ सेंटर और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, दैट मीन्स ये जो विलेज है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी है, स्कूल भी है और हेल्थ के लिए हेल्थ सेंटर्स भी हैं, दैट मीन्स अगर अचानक किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, अचानक किसी को कोई मेडिकल एलिमेंट होती है तो उसे नियर बाय टाउन या नियर बाय विलेज जाने की जरूरत नहीं है, रादर दे कैन गेट द मेडिकल ट्रीटमेंट इन देयर विलेज इटसेल्फ। सो दिस वॉज एन इंट्रोडक्शन, यू कैन से इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ योर चैप्टर। आई हैव एक्सप्लेन यू वॉट इज पालमपुर, इट्स अ विलेज, इट्स अ हाइपोथेटिकल विलेज और वहां पे आई हैव एक्सप्लेन यू योर पॉपुलेशन डिविजन, कैसे पॉपुलेशन डिवाइडेड है अमंग वेरियस कास्ट, ये आपने पढ़ लिया और आपने पढ़ा कि बेसिक फैसिलिटीज क्या है पालमपुर में, कैसे पालमपुर वेल कनेक्टेड है अपने नियर बाय विलेज और टाउन्स से, दैट मीन्स रायगंज और शाहपुर से कैसे कनेक्टेड है, एंड यू हैव आल्सो सीन द बेसिक फैसिलिटीज, दैट मीन्स पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी भी है, स्कूल भी है और हेल्थ सेंटर्स भी है। सो वील फर्दर डिस्कस योर चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।